नमस्कार, मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। बिहार में इन दिनों राजनीति चरम पर है। इंडिया गठबंधन की बैठक जब से मुंबई में हुई है, तब से इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल जो बिहार से आते हैं, जिसे बिहार में महागठबंधन के बैनर तले इकट्ठा किया गया है, वो एक्टिव मोड में आ गई है, वो फुल फॉर्म में आ गई है। लेकिन इस इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद जिस तरह से विपक्षी दल एकजुट होकर मोदी और शाह के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उससे कहीं मुखर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ लालू प्रसाद यादव हो गए हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव तो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करते ही आए हैं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए उन्होंने अपने सुपुत्र तेजस्वी यादव को भी तैयार कर दिया है। आप कहेंगे कि तेजस्वी यादव तो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं ही, तो इसमें तैयार करने वाली बात क्या है? तो अंदर की जो एक खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको चौंका सकती है। जी, लालू प्रसाद यादव राजनीति के कितने बड़े धुरंधर खिलाड़ी हैं ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार पहले से ही राष्ट्रीय स्तर के नेता रह चुके हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव अभी तक केवल बिहार की राजनीति में स्थापित हो चुके हैं, एक क्षेत्रीय राजनेता की छवि उनकी बन चुकी है। वैसे में जब लालू के पास वक्त कम बचा है और मौके कम हैं, तो उन्हें अपने पुत्र को राष्ट्रीय स्तर पर रेखांकित करने की, राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करने की जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी मुंबई बैठक में पूरा कर दिया है। कयास लगाए जा रहे थे कि उस बैठक में तेजस्वी नहीं बल्कि नीतीश कुमार के लिए संयोजक पद की जिम्मेवारी दी जा सकती है या पीएम पद के लिए कोई घोषणा हो सकती है, लेकिन लालू आप जानते हैं कि कैसे अपने चाल से विरोधियों को मात देते रहे हैं। उन्होंने एक तीर से दो निशाने साध लिए, अपने पुत्र को राष्ट्रीय राजनीति में प्रमोट भी कर दिया, और लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के लिए आगे के दरवाजे भी खोल रखे हैं। दरअसल हुआ यूं कि मुंबई की बैठक में नीतीश के नाम पर कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन 14 सदस्यीय जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, उसमें लालू प्रसाद यादव ने बड़ी चालाकी से अपने पुत्र तेजस्वी यादव को लॉन्च कर दिया। पहली बार मुंबई बैठक के बाद तेजस्वी यादव राष्ट्रीय बैठक में इस तरह प्रमोट हुए और किसी राष्ट्रीय संगठन के हिस्सा बने। वह 14 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी में हैं, जिसमें अधीर रंजन चौधरी और ललन सिंह जैसे दिग्गज राष्ट्रीय नेता की मौजूदगी है। तो एक तरफ थे उन्होंने अपने पुत्र को साथ लिया, दूसरा नीतीश के नाम पर सहमति नहीं बनी ये तो तय है, लेकिन आगे के लिए उनके दरवाजे खुले हैं। तो इसका मतलब ये है कि नीतीश ने पहले अपने पुत्र को सेट किया, पुत्र को प्रमोट किया, तेजस्वी के लिए दरवाजे खोल दिए, और अब अगली जो बैठक होगी उसमें नीतीश कुमार के नाम पर लालू यादव सहमति जता सकते हैं संयोजक बनाने के लिए। तो इस तरह से बिहार में लालू प्रसाद यादव अपने चाल से लगातार विरोधियों को मात देते जा रहे हैं। हालांकि ये कई मौकों पर देखा गया है कि तेजस्वी को आगे बढ़ाने के लिए खुद नीतीश कुमार भी पहल करते नजर आए हैं। जब मीडिया उनसे बातचीत करती है तो अक्सर वे तेजस्वी को आगे कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के भतीजे पर चाचा और पिता दोनों की बराबर नजर है। लालू और नीतीश दोनों चाहते हैं कि बिहार का भविष्य तेजस्वी बने, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने जो नीतीश को लेकर के पूरे देश में विपक्ष को एकजुट किया है, और नीतीश प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं जैसा कि उनकी पार्टी कहती है, उस पर भी उन्होंने उम्मीदें कायम रखी है, और हो सकता है आने वाले समय में जल्द ही कोई अच्छी खबर नीतीश कुमार के लिए आ सकती है। अभी के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर दस्तक। तब तक के लिए नमस्कार।